अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रजा ब्लॉग में। तो गाइस, आज भी गाड़ी नहीं छोड़ी, देखते हैं। अब बोल रहे हैं 10-11 बजे गाड़ी छोड़ देंगे, तो फाइनली चलते हैं ऊपर, चाय वाय पियेंगे। तो गाइस, दिन के बज चुके हैं 12, तो अभी तक गाड़ी वगैरह नहीं छोड़ी है। मैं आया हूँ प्याज भाई की गाड़ी के पास। अभी हमें लग रहा है कि अभी ज़्यादा नहीं, 1 या 2 बजे तक हमें छोड़ेंगे। आगे से बटल मोड़ से आधी गाड़ियाँ छोड़ी, आधी नहीं छोड़ी। तो ये रहा अपना प्याज भाई, तो ये प्याज भाई की गाड़ी, तो दिखाते रहेंगे आपको कब छोड़ेंगे क्या। यहाँ पे 4-5 दिन हो गए यार हमें यहीं पर खड़े खड़े। तो ये रहा इस टाइम का व्यू यहाँ का, देख सकते हो कितना प्यारा है। बहुत ही ज़्यादा लाइन और बहुत ज़्यादा जाम, वो देखो किस किसान। देखो यार क्या लाइफ है ड्राइवरों की यार। देख गाड़ियों के नीचे कुछ बैठे हैं, कुछ पेड़ पे चढ़े हैं, कुछ कहाँ पे, कुछ क्या, बहुत बुरी हालत होती है यार। ये रहा अपने साथ जो लड़का है। तो गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया, अभी एक भाई आया था उसने आम भी दिए। तो ये रहा अपना फयाज भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है यार। ये दूसरा भाई, फयाज भाई को चाहिए डोमी कूल, आज वो नहीं है। अब मैं कहीं से लाता हूँ, मैंने फिर भी तो ठीक ही कहा, डोमी कूल चाहिए फयाज को। फयाज भाई ने कुछ बताना भाईजान, फयाज भाई को कुछ तो बोल यार। कुछ नहीं, बहुत गर्मी है भैया। भाई को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। चलो ठीक है, आप भाई। बस मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस अल्लाह करे आप यहाँ से छोड़ दे, बस उतना ही काफी है। हाँ छोड़ना चाहिए यार, बहुत ज्यादा तंग हो गया। आज कितना दिन है मतलब भाई हमें यहाँ पे? हो गया बराबर हमें 4 दिन। ये बात है यार, 4 नहीं 5वां दिन है मेरे ख्याल में। 2-3 दिन हम वहाँ पे बैठे ना, ईद पे घर पहुँचना चाहिए। ईद पे फाइनली इतना है कि ईद पे घर पहुँचना चाहिए हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहुँचेंगे जरूर, एक दिन। तो गाइस देख सकते हो आप, बहुत ज्यादा यार पानी सैलाब आ चुका है यार। तो देख सकते हो आप यार, गाड़ियां भी बहुत खतरनाक जगह में। इतना ज्यादा सैलाब मैंने कभी आज तक पहले देखा ही नहीं, बट अपनी गाड़ी वहाँ नीचे है यार। देख कुत्ता एक भी यार हमारी अपनी गाड़ियों के नीचे घुस रहे यार, इतनी बेहद यार। बाइक वाले वगैरह इतने भीग गए वहाँ गाड़ियों के नीचे, कहीं घुसे। तो हमने बोला था आ जाओ भाई अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, बैठे नहीं। तो देखो यार आपको दिखाते हैं किस तरीके से पानी आ रहा है। और ओह ओह ओह, ट्रैफिक वाले अभी भी नहीं छोड़ रहे यार। बहुत 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 बुरी कंडीशन है अपने साथ की है इन लोगों ने, कानवाई नहीं छोड़ रहे अभी तक। पानी भी नहीं है, पानी तो अब बहुत ज़्यादा आ रहा है ये पर, बट गंदा है यार। पीने के लिए नहीं है, नहाने धोने के लिए बहुत है। और आपको पता है यार क्या हालत होती है हम लोगों की यार। बाजान अभी कानवाई छोड़ दी है यहाँ से, बस हम निकलने वाले हैं, मगर अभी थोड़ा सा जाम है बहुत। मास्ट मोड़ रह गया यार, मास्ट मोड़ रह गया। हाँ गाड़ियाँ ओवरटेकिंग में जा रही है और बारिश में जाम लग रहा है बहुत ज्यादा यार। बारिश भी गिर रहा है बहुत बहुत ज्यादा, बारिश गिर रहा है, इतना सलाब आ रहा है यार। तो गाइस हमने नाका वगैरह क्रॉस किया, मानसर से थोड़ा पीछे पहुँचे। बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बहुत ज़्यादा जाम में लगा यार, अभी से जाम लग गया बेहद ज़्यादा। तो आस्ते आस्ते चल रहे हैं भाई, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो गाइस हम फाइनली दुधर नाके पे हैं, दुधर नाला। ये देखो कितना जाम है, बहुत ज़्यादा जाम है, और बारिश देखो कितनी ज़्यादा हुई है। नीचे दरिया कितना ज़्यादा बह रहा है। तो ये सामने पास पूरी गाड़ियाँ जाम लगा, ये देख भाई ओवरटेकिंग में जा रहा है, उसको बहुत जल्दी है, पूरा जाम है यहाँ से उधमपुर तक। आगे एक गाड़ी अपनी, उसी ने बताया कि उधमपुर तक पूरा जाम है। और ये देखो पीछे कितना लाइन है यार हमारे पीछे, और आगे देख सकते हो लाइन ही लाइन है यार, बहुत ज़्यादा जाम है। तो गाइस हम चलेनी फाइनली पहुँच चुके हैं, चलेनी टनल के सामने नाके पे हैं।
रॉन्ग साइड से आए यार, मेरे साथ में थे दीदी और उसके छोटे छोटे बच्चे थे यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उनको। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया और अपनी गाड़ी रही ये सास वाली, दूसरी गाड़ी बस सामने आपको पता ही है, तो देख सकते हो यार बहुत मतलब डबल क्या ट्रिपल ट्रिपल जाम लगा यार, देख सकते हो आप मतलब छोटी गाड़ियों ने इस तरीके से जाम लगाया है, कोई कहने की बात नहीं यार बेहद। तो ये ऊपर से गाड़ी भी इस टाइम भी आ रही है क्योंकि यहाँ की कानवाई है, रॉन्ग साइड से भी आती हैं यार गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस फाइनली 3 घंटे हम खड़े रहे चलैनी नाके पे, तो 3 घंटे के पास गाड़ियाँ छोड़ी हैं। तो अभी मैं टनल में हूँ, चलैनी टनल जो चलैनी टू नासरी टनल है उसमें हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा जाम है यार। तो आपको दिखाता हूँ मैं, दीदी का लड़का ये रहा, छोटा लड़का और छोटी बच्ची दो वो सोई हैं उस साइड में, तो बैठे हैं यार हम भी चल रहे हैं, दीदी भी अपने साथ में, और खाना वाना इनको खिलाया अभी यहाँ से निकला, साथ में दूसरा लड़का था कश्मीरी लड़का, फिर दीदी मतलब यहाँ पे सोए थे बच्चे दीदी के, तो इसलिए फिर वो दूसरी गाड़ी में चला गया। अभी अपना सफ़र कंटिन्यू, देखते हैं यार आगे कितना जाम होगा, बोल रहे थे बहुत ज़्यादा जाम है यहाँ, क्या बोलते हैं इसमें पीड़ा से लेके मतलब रामबन पसी तक, देखते हैं कितना टाइम लगेगा यहाँ से आगे। गाइस फाइनली सुबह के बज चुके हैं 5 और अभी हम पहुँचे हैं विशु, यहाँ रुका हूँ मैं यार, यहाँ सिस्टर का घर है वहाँ थोड़ा काम है, जीजू आ रहा है उससे थोड़ा काम है, उसी के पास रुके हैं, उसका वेट कर रहे हैं, आता है तो उसके बाद निकलेंगे। अब जाम बहुत ज़्यादा था रास्ते में तो सीधा निकल ही आए, अभी यहाँ पे पहुँचे, अभी खाली करनी है क्योंकि ईद है, सीधा खाली करके वापस ईद पे घर पहुँचना है। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने सोपर, यहाँ पे हमने यहाँ पे मार्बल खाली करना है, वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो मैं तो सो गया था श्रीनगर से, गाड़ी चला रहा था मुजम्मल भाई, उसने यहाँ तक लाई है, मुझे पता नहीं, मैं अभी उठा हूँ, चेहरा वगैरह धोया, ब्रश वगैरह की फ्रेश हो गए, तो अभी पता नहीं कितनी अनलोड हुई है कितनी नहीं हुई है, देखते हैं, बट आज हो जाएगी इतना पता है, रात को घर भी पहुँच जाएंगे। गाइस अपनी गाड़ी हो गई खाली, यहाँ पे आए थे हम, ये दफ्तर है इनका, यहाँ से हमने किराया पकड़ना था, और यहाँ का ये व्यू है, और चलते हैं अपनी गाड़ी के पास, गाड़ी हमने थोड़ी आगे रखी है इसी रोड में, तो देखो पहाड़ियाँ वादियाँ बर्फ़ नज़र आ रही है, तो बहुत खूबसूरत टाइम है, मतलब वहाँ कितनी गर्मी होती है, यहाँ पे मुझे ठंड लग रही है यार। चलते हैं अब सीधा घर किराया पकड़ के। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पटन, सोपर से खाली करके वापस जा रहे हैं घर, और मैं बैठा हूँ, चला रहा है अपना बाई गाड़ी, तो देखते हैं हम किस टाइम पहुँचे हैं हम घर, पहले पहुँच जाना है मतलब मालिक के घर में, फिर उसके बाद हिसाब किताब करना है, फिर जाते हैं अपने घर, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं आगे। कितना प्यारा फ्लाइवर बनाया है, बट टाइट टाइट बहुत है यार, सेब के पेड़, वाह कश्मीर तो जन्नत है। तो गाइस हम फाइनली आ गए यहाँ पे मीट बाजार, गाड़ी वगैरह रखी यहाँ मालिक के घर में, तो अभी यहीं पे सुबह हिसाब किताब करते हैं, तो जाना है घर, ईद है आपको पता है, कल नहीं परसों ईद है, ईद पे घर जाना है, तो ये वो करते हैं यहीं पेंट, तब तक के लिए आपको बाय, तो मिलते हैं कल।